हेलो दोस्तों, आज हम अ शॉर्ट मानसून डायरी यानी एक छोटी मानसून की डायरी का पूरा क्वेश्चन और आंसर करने वाले हैं। ये जो एक डायरी है, ये एक मेन डायरी का एक्सट्रैक्ट है जो कि रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई इज़ द ऑथर नॉट एबल टू सी बिज्जू। लेखक बिज्जू को देखने में योग्य क्यों नहीं था, यानी वह बिज्जू को क्यों नहीं देख पा रहा था। तो द ऑथर इज़ नॉट एबल टू सी बिज्जू बिकॉज ऑफ द मिस्ट। मिस्ट का मतलब होता है कोहरा, कुहासा, फॉग। यानी फॉग के कारण, कुहासे के कारण लेखक बिज्जू को नहीं देख पा रहा था। मिस्ट ने विजन को यानी देखने को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया था। वॉट आर द टू वेज इन विच द हिल्स अपीयर टू चेंज व्हेन द मिस्ट कम अप। जब भी कोहरा आता है तो ऐसे दो तरीके बताइए जिसमें ऐसा लगता है कि ये जो पहाड़ियाँ हैं वो पूरी तरह से बदल रही है। तो मिस्ट जो है वो पूरे पहाड़ियों को कवर कर लेता है और उसके आसपास के वातावरण को भी कवर कर लेता है, तो इस हिसाब से वो जो पहाड़ियाँ हैं वो दिखती ही नहीं हैं। सेकेंड चेंज ये होता है कि वो जो पक्षियाँ होती है वो गाना बंद कर देती है, और पक्षी में जो जीवन रहता है, जो वो पक्षी पहाड़ में जो जीवन रहता है वो पक्षियों के वजह से ही रहता है, क्योंकि पक्षियाँ गाती है और जब वो चुप हो जाती है तो पहाड़ में बिल्कुल चुप हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। व्हेन डज द मानसून सीजन बिगिन एंड व्हेन डज इट एंड। मानसून की मौसम का कब शुरू होता है और उसका अंत कब हो जाता है। हाउ डू यू प्रिपेयर टू फेस द मानसून, और मानसून से डील करने के लिए आप कैसी तैयारी करेंगे। तो मानसून सामान्यतः जून के लास्ट में स्टार्ट होता है और ये इंड करता है या तो अगस्त के लास्ट में या सितंबर के शुरुआत में। और इसे डील करने के लिए लोग रेनकोट खरीद लेते हैं, अम्ब्रेला खरीद लेते हैं बारिश से बचने के लिए। विच हिल स्टेशन डज द ऑथर डिस्क्राइब इन दिस डायरी एंट्री। डायरी एंट्री में किस पहाड़ी स्टेशन को लेखक डील कर रहे हैं, यानी किसके बारे में बता रहे हैं। तो मसूरी के बारे में। फॉर हाउ मेनी डेज डज इट रेन विदाउट स्टॉपिंग। कितने दिनों तक वर्षा बिना रुके होती रही। व्हाट डज द ऑथर डू इन दिस डे, और इन दिनों में लेखक ने क्या किया। तो इट हैज़ रेन फॉर 8 or 9 days विदाउट स्टॉपिंग, यानी बिना रुके बारिश 8 या 9 दिन तक होती रही। और इन दोनों ऑथर हैज़ बीन पेसिंग द रूम। पेसिंग द रूम का मतलब होता है वॉकिंग द रूम, यानी रूम में ही टहलना, या फिर वो खिड़की से बाहर देखते रहे, बारिश को देखते रहे। वेयर टू द स्नेक्स एंड रोडेंट टेक शेल्टर। वाई स्नेक यानी सांप और रोडेंट यानी चूहे, शेल्टर यानी आश्रय। अब सांप और चूहे ने अपना आश्रय कहाँ ले लिया है, कहाँ शरण ले ली है और क्यों ले ली है। तो स्नेक और रेडेंट ने रूप में, छतों पर, एटिक्स में, गोंडाउन में, यानी जो कि सामान रखने की जगह होती है वहाँ पे उन्होंने अपना शरण ले लिया है, क्योंकि जो इतनी लगातार बारिश हो गई है उनकी वजह से उनके जो होल हैं, बिल है, वो सब पानी से भर गए हैं, तो वहाँ पर वो रह नहीं सकते हैं। और आउट ऑफ द होल्स, और होल्स के बाहर, यही सब एक अच्छी जगह, कन्वीनियंट यानी आराम की जगह उन लोगों के लिए है। व्हाट डिड द ऑथर रिसीव इन द मेल। मेल में ऑथर को क्या प्राप्त होता है, तो ऑथर को एक चेक प्राप्त होता है मेल में। लुक केयरफुली एट द डायरी एंट्रीज फॉर June 24, 25, August 2 and March 23। 24-25 जून और 2 अगस्त और मार्च 23 के डायरी एंट्री को ध्यान से देखिए और बताइए कि जैसे जैसे वर्षा जून से मार्च तक हुई, इन दिनों में क्या क्या चेंजेस देखने को मिले। तो पहला तो ये था कि सबसे पहले मानसून 24 जून को आ गई, और फर्स्ट रियल मानसून सावर, सावर का मतलब होता है हल्की बारिश, और मानसून की हल्की बारिश जून 25 को आई। पूरा नेचर जो है, पूरी प्रकृति ने इसका स्वागत किया और ऑथर को खास करके इसे बहुत ही प्रसन्नता हुई, और आसपास की चीज़ों को देखकर भी लेखक बहुत खुश हुए। अगस्त 2 तक
धीरे धीरे पीपुल बिकम वियरी ऑफ द मानसून, यानी लोग इससे बोरियत महसूस करने लगे। वियरी यानी थकावट उन्हें होने लगी मानसून से, क्योंकि वर्षा लगातार होती रही। क्योंकि बाहर जाना लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल हो गया, लोग घर में पैक रहने लगे और लगभग एक सप्ताह तक धूप की एक किरण भी नहीं मिली। मार्च 23 हेराल्ड द एंड ऑफ विंटर। हेराल्ड का मतलब होता है घोषित होना, यानी 23 मार्च को विंटर का अंत हो जाता है। और एक हेल स्टॉर्म के बाद, यानी ऐसी वर्षा जिसमें कि हेल गिरती है, पत्थर की ओलावृष्टि, ओला में बारिश होती है और एक रेनबो स्काई में बन जाती है। और ये रेनबो जब भी बनती है तो ये प्रकृति की सुंदरता को दिखाती है। व्हाई डिड द ग्रैंड मदर आस्क द चिल्ड्रन नॉट टू किल द छुछुंदर। दादी माँ ने कहा कि छुछुंदरों को नहीं मारना है, बच्चों से कहा, क्योंकि बच्चे प्रायः बदमाश होते हैं, छुछुंदर को मार सकते हैं। तो ग्रैंड मदर का ऐसा मानना था कि छुछुंदर बड़े ही लकी होते हैं, भाग्यशाली होते हैं और छुछुंदर के साथ पैसे आते हैं, इसीलिए ऐसा हो सकता था कि दादी माँ धनवान हो जाए। तो इसीलिए उन्होंने बच्चों से कहकर रखा था कि छुछुंदर को मारना नहीं है। What signs do we find in nature? We saw that the monsoons are about to end. मानसून जब ख़त्म होने पर होते हैं तो प्रकृति में ऐसे कौन कौन से साइन दिखाई देने लगते हैं? तो आंसर होगा कि जब मानसून ख़त्म होने पर रहती है तो लश मानसून ग्रोथ रीचेज इस पीक। लश का मतलब होता है ग्रीन, यानी मानसून में जो भी ग्रोथ होती है प्रकृति के क्रिएचर्स की, वो अपने पीक पर पहुंच जाती है, सबसे ऊपर पहुंच जाती है, बहुत ज़्यादा चीज़ हरा भरा दिखने लगता है। और कोबरा लिली के जो बीज होते हैं वो लाल होने लगते हैं। ये सब चीज़ें बताती हैं कि मानसून अब ख़त्म होने वाला है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यानी यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए हैं, उनको पूरा करना है बुक की मदद से। बिज्जू इज़ नॉट सीन बट इज वॉइस इज हियर्ड बिकॉज। बिज्जू को हम देख नहीं पा रहे हैं लेकिन उसकी आवाज़ को सुन पा रहे हैं, क्योंकि द मिस्ट ऑब्स्ट्रक्ट द ऑथर विजन। ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब रोकना, मिस्ट यानी कुहासा, क्योंकि कोहरे ने देखने को बिल्कुल भी रोक दिया है। जब भी कभी कुहासा हो जाता है तो लोग अपने से, अगर उसका दूसरे का घर भी कुछ दूरी पर है वो भी नहीं दिखाई देता है, वही कंडीशन यहाँ पे है। राइटर डिस्क्राइब द हिल स्टेशन एंड वैली एज। राइटर ने हिल स्टेशन और घाटी को कैसे वर्णन किया है? तो ऐसे किया है, अ पैराडाइज दैट माइट हैव बीन, एक स्वर्ग जो कभी रहा हो। द लियोपार्ड वॉज सक्सेसफुल इन डैश। लियोपार्ड यानी तेंदुआ। लियोपार्ड किस में सफल रहा? किलिंग अ डॉग, एक कुत्ते को मारने में लियोपार्ड सफल रहा। बट हैड टू फ्ली, फ्ली यानी भागना, लेकिन उसे भागना पड़ा जब बिज्जू की मदर वहाँ पे आ गई और वो कर्सेस यानी उसे कुछ कुछ श्राप देने लगी और वो चिल्लाने भी लगी। द मिनीवेट्स आर इजली नोटिस्ड बिकाउज। मिनीवेट्स एक प्रकार के पक्षी होते हैं। मिनीवेट्स को हम आसानी से देख रहे हैं क्योंकि उसके कलर जो हैं बहुत ही चमकीले हैं, वो बहुत ब्राइट कलर की है। इट लुक्स लाइक ए फैशन डिस्प्ले ऑन द स्लोप्स वेन। स्लोप्स पर बिल्कुल ये ऐसा लग रहा है कि कोई फैशन का डिस्प्ले चल रहा है, जब दे आर कवर्ड बाई वेराइटी ऑफ फ्लावर्स, जब वहाँ पर तरह तरह के फूल भर जाते हैं। ड्यूरिंग द मानसून सीजन स्नैक एंड रोडेंट्स आर फाउंड इन रूफ्स एंड एटिक्स बिकॉज। मानसून के मौसम में सांप और चूहे छतों पर और एटिक्स पे पाए जाते हैं, क्योंकि उनके जो होल है उनमें बहुत ज़्यादा पानी भर गया है और इन्हीं सब चीज़ों में वो आराम से अपना आश्रय ढूंढ पा रहे हैं। Although tin roofs are given to springing unaccountable leaks, there is a feeling of being untouched by and yet untouched with the rain. Why has the writer used the word springing? Springing का मतलब होता है creating, यानी पैदा करना, और unaccountable का मतलब होता है अकारण। कहने का मतलब है कि ये जो टीन की जो रूफ होती है वो अकारण ही बहुत सारे लीक्स को, लीक यानी कहीं पे छेद हो जाना, पैदा कर रही है, क्योंकि जो बारिश की बूंदें हो रही है वो टन टन की आवाज़ टीन पर गिरा रही है। टीन की रूफ़ें अकारण ही बहुत सारे लीकों को पैदा कर रही है,
लेकिन ऐसी फीलिंग है कि हम चूँकि हम टीन के अंदर हैं, हमारे शेल्टर की हमारे सर के ऊपर टीन है, तो हम वर्षा से बिल्कुल बचे हुए हैं क्योंकि पानी हम पर गिर नहीं रही है, लेकिन हम फिर भी रैन के टच में ही है। तो राइटर ने स्प्रिंगिंग यानी क्रिएटिंग पैदा करना शब्द का क्यों उपयोग किया है? तो सडननेस ये शब्द जो है अचानक की भावना प्रकट करती है, गिव द आइडिया ऑफ सडननेस यानी अचानक। हाउ इज़ द राइटर अनटच्ड बाय द रेन? अब जो राइटर हैं वह बारिश से बचे हुए हैं, बारिश उसको छू नहीं पा रही है। क्यों? क्योंकि ऑथर एक रूम में है, रूम में वर्षा कैसे जा सकती है अगर कहीं पर लीक ना हो तो? तो राइटर ऐसे रूम में है जहाँ पे कोई लीक नहीं है, तो वर्षा से बिल्कुल बचे हुए हैं और वो रूम उन्हें वर्षा से बचा रही है। हाउ इज़ द राइटर इन टच विद द रेन एट द सेम टाइम? लेकिन उसी वक्त राइटर ये भी बोल रहे हैं कि वो वर्षा के कॉन्टैक्ट में ही है उसी वक्त। ऐसा इसलिए है क्योंकि साउंड क्योंकि बारिश की जो साउंड होती है जब टीन के रूप पर गिरती है तो टन 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 की आवाज़ आती है, तो और ये आवाज़ तब तक आती रहेगी जब तक कि वर्षा होती रहेगी। तो इस तरह से राइटर रेन के टच में भी हैं। मेंशन अ फ्यू थिंग्स दैट कैन हैपन व्हेन देयर इज एंडलेस रेन फॉर डेज टुगेदर। ऐसी कुछ चीज़ों का कलेक्शन कीजिए और बताइए जो हो सकती है जब वर्षा की लगातार होती रहे कुछ दिनों के लिए। तो अगर कुछ देने के लिए लगातार वर्षा होती रहेगी तो जीवन बहुत ही दुभर हो जाएगा। टू गो आउट बिकम्स डिफ़िकल्ट, क्योंकि लोगों को बहुत सारे काम होते हैं, बाहर जाना बिल्कुल भी कठिन हो जाएगा और हमेशा आपको रूम में बंद रहना पड़ेगा, जिससे कि आप बोरियत महसूस करने लगेंगे, मन उबसा जाएगा। हर जगह डैम, डैम का मतलब होता है गीला हो जाना, हर जगह आपको पानी ही पानी नज़र आएगा। और सौगी का मतलब भी गीला ही होता है यानी भीगी हुई, सब चीज़ भीगी भीगी सी रहेगी। और जो कपड़े आप धोएंगे वो सूखेंगे नहीं। और जब बहुत ज़्यादा वर्षा हो जाती है तो बहुत सारे चूहे सांप ऐसा होता है कि वो घर में घुसने लगते हैं। अगर आपका घर और सड़क, मान लीजिए आपका सड़क घर सड़क के लेवल से थोड़ा नीचे आ गया है, क्योंकि सड़क जब बनती है तो उसे उखाड़ा नहीं जाता है, उसी सड़क पे बना दी जाती है, तो लोगों के घर के जो लेवल हैं वो नीचे आ जाते हैं। तो पानी जब भरता है तो वो सांप चूहे सीधा घर में आ जाते हैं, ऐसा हो सकता है। लोगों को परेशानी हो सकती है, बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती है क्योंकि पानी जमा रहेगा। और सोर्स ऑफ लाइफ यानी एनर्जी का सोर्स एकमात्र सन है, और अगर बहुत लंबे समय तक सनलाइट आदमी को नहीं मिले तो लोग बीमार भी रह सकते हैं। What is the significance of cobra lily in relation to the monsoon season, its beginning and end? यानी cobra lily का क्या महत्व है, यह मानसून से किस प्रकार से जुड़ी हुई है, जब मानसून का शुरू होता है और जब मानसून अपने अंत पर होता है। तो first cobra lily is seen with the arrival of monsoon, जब मानसून आता है तो आप पहली cobra lily को देखेंगे। इसका मतलब होता है पहली cobra lily को देखना कि मॉनसून सीजन स्टार्ट हो गया है। और जब उसके बीज लाल होने लगते हैं तो ये इस बात का संकेत होता है कि वर्षा जो है अब ख़त्म होने वाली है, मॉनसून जाने वाली है। दोस्तों, इसका पूरा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुआ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।